आज के जो हमारे सेमीफाइनल के विनर हैं चौधरी तालिब साहब, उनको एसडीएम कुंडू अरुण बडियाल साहब नकदी जो इनाम है वो देंगे, उनको नकदी इनाम अरुण बडियाल साहब। आज मेन वर्सेस वुमेन लेडीज वर्सेस पहले विनर है, पहले सेमीफाइनल के पहले विनर अरुण बडियाल साहब, उनको अपने हाथों से नकदी इनाम देंगे। उसके साथ सुरेश जमाल जी भी बीच में आ जाए। सुरेश जमाल जी बिल्कुल, ये रीनू जो महिला पहलवान है, रीनू जी ये हरियाणा से है, रीनू जी जो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, इन्होंने पहले कुश्ती जीती है। रीनू जी बहुत जबरदस्त पहलवान है, ये महिला पहलवान है, बहुत जबरदस्त रीनू जी, बहुत लोग बहुत मतलब उठाते हुए और ये जो स्पेशल गोल रखा था रीनू जी ने जीत लिया है। रीनू जी ने महिला हमारी यहाँ पे महिला एक ही पहलवान है और आज के उन्होंने दो गोल जीते हैं। रीनू जी ने दो गोल जीते हैं आज के, उनके लिए ये स्पेशल गोल रखा गया है। रफी साहब एम एल साइड है और ये रिंकू के मकाम पे गाँव है हमारा, लास्ट हिमाचल बाउंड्री पे है वो कार्नर, उस कार्नर पे है वहाँ उनके जो है वहाँ उनकी जो है वहाँ से वो चलेगी फिर पंजाब में, ये ले सकते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त का खंडे साहब, बिल्कुल दुरुस्त। ये तारक साहब अन्य हमें इन्फॉर्मेशन दी है चौधरी रहमत अली साहब, जैसा की शान है चैंपियन रहे हैं। इस तरह से देख रहे हैं इन पहलवानों को, कहीं वो भी आज ग्राउंड में ना उतर जाएं, ऐसा ही कुछ लगता है आज सबको इनको देख के जवानी आ रही है। बिल्कुल खाड़े साहब, हम भी यही देख रहे हैं, एमएलए साहब भी काफी कड़े नजर लगाए हुए हैं, बिल्कुल पहलवानों की बिल्कुल, लेकिन एमएलए साहब का जो गोल होगा उसका अलायदा एक अनाउंसमेंट होगा, एमएलए साहब अपने गोल के पास खुद देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, जो एमएलए साहब विनर रनर जो भी था एमएलए साहब अपना जेब से पैसे देंगे, बिल्कुल। ये चेयरमैन साहब खांडे साहब जरा दो मिनट, चेयरमैन साहब केवल सिंह मनाज सिंह कुछ कहना चाहते हैं। ओके और केवल साहब खांडे साहब तो हमारे बीच में यहाँ रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जे एन के पुलिस मामा रमजान मलिक साहब, जो पहले भी इन्होंने 1,000 रुपए दिया था, 1,000 रुपए और दिया इन्होंने, तो मैं जाऊँगा जरा तालियों से इनका स्वागत किया जाए, प्लीज तालियां तो फ्री की भाई आपको, मलिक साहब के लिए स्पेशल तालियां। शुक्रिया मलिक साहब, शुक्रिया शफी साहब, चौधरी शकील नंबर को नाम से है चौधरी मोहम्मद शफी साहब, हमारे दोस्त की है, कमेटी को पैसे देने जा रहे हैं चौधरी मोहम्मद शफी साहब, कुरान के मेंबर है, इन्होंने अपनी तरफ से 500 रुपए दिया है ताड़िया, इनके लिए भी ताड़िया की जाए, क्लैपिंग की जाए। मैं आबिद साहब को देख रहा हूँ, आबिद साहब सीनियर मेडिकल असिस्टेंट जहाँ आपके पीछे बैठे हैं, पिछले दिन प्रमोशन हुई है, इनकी तरफ से अनाउंसमेंट आना बाकी है। आबिद साहब सीनियर मेडिकल असिस्टेंट आबिद साहब बिल्कुल जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे, इस मलेशिया एक्शन कमेटी के जो दंगल करा रही है उसके लिए अनाउंसमेंट करेंगे। आबिद साहब निकाल रहे हैं, एक आदमी पकड़े उधर कैश पकड़े, तो आबिद साहब ने 1,000 रुपए 500 रुपए का ऐलान किया है, इस बहुत बड़ी बात है, 500 रुपए आबिद साहब सीनियर मेडिकल असिस्टेंट जो यहाँ एसडीएच बिंदु में सर्विस करते हैं, बहुत देर से यहाँ सर्विस करते हैं, बड़े शौकीन है इस दंगल के, बहुत जबरदस्त मुकाबला इस अखाड़े के चैंपियन और रिंकू चंडीगढ़ के दरमियान, इस अखाड़े के चैंपियन चौधरी रहमत अली और रिंकू जी चंडीगढ़ से, दोनों के दरमियान बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। शाहनवाज जी तो गोरे काले का भेद नहीं, हर दिन से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको हमें प्यार निभाना आता है, तो ये दलेसी के लिए स्पेशल शहर है, गोरे काले सबका भेद
में प्यार निभाना आता है, तो आप सबका प्यार चौधरी रहमत अली साहब, जिनके लिए हम बार बार आपको कहते हैं चौधरी रहमत अली साहब, इस अखाड़े के चैंपियन है। और आज का जो स्पेशल बोल था वो चौधरी रहमत अली साहब ने जीता, इनको बहुत बहुत मुबारक। इस अखाड़े के चैंपियन है विनय जी, रहमत अली भाई, शाबाश विनय जी।